दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल दुबे, बीए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के। आज हम प्रिंट मीडिया सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक भारतीय समाचार समितियां इंडियन न्यूज एजेंसीज को हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम जानेंगे भारतीय समाचार समितियां कौन कौन सी हैं, प्रेस की जो न्यूज एजेंसीज होती हैं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों हमारे भारत में जो प्रेस की न्यूज एजेंसी है मुख्य रूप से पीटीआई है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दूसरी आपकी होती है यूएनआई है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये भी बहुत प्रभावी जो न्यूज एजेंसी है। इसका मतलब भारत में तो ठीक है, एशिया में भी एक इसका नाम है। इसके बाद हम बात करें यूनिवार्ता भी जो है भारतीय समाचार समितियों में प्रमुख है। इसके बाद है हिंदुस्तान समाचार, ये भी एक न्यूज एजेंसी है। इसके बाद है आपकी समाचार भारती। तो ये है अपनी न्यूज एजेंसियां, इनके बारे में हम आपको प्रमुख रूप से आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई। पीटीआई का मतलब है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह जो है 1910 में देश की पहली समाचार समिति बनी थी। इसको उस समय एपीआई के नाम से इसको जाना जाता था। तो दोस्तों यह जो न्यूज एजेंसी है पीटीआई, इसके 500 समाचार पत्रों को यह अपनी आज के समय में सेवाएं दे रही है। और ये जो है 2014 के आंकड़े हैं, उस समय पीटीआई जो है 500 समाचार पत्रों को अपनी सेवाएं दे रही थी। 2014 के आंकड़ों के अनुसार जो पीटीआई है इसके 984 जो कुल कर्मचारी हैं इसमें जो काम करते हैं, 984 न्यूज एजेंसी में कर्मचारी हैं, जिसमें 500 अंशकालीन संवाददाता हैं, वहीं 400 फुल पेज पत्रकार हैं इस एजेंसी में। यह विदेशी स्वर्ण न्यूज एजेंसियों के लिए समाचारों का आदान प्रदान करती है। वही इसका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है खुद का है, समझे। ये जो केसी रॉय है उन्होंने इसको शुरुआत में 1910 में पहली समाचार समिति एपीआई के नाम से बनाया था, वो केसी रॉय थे। इसके बाद 1919 में इसको राइटर्स के कब्जे में चली गई। इसके बाद 1945 में एपीआई एक भारतीय कंपनी बनी। फिर क्या हुआ, 27 अगस्त 1947 में पीटीआई ने मद्रास से सेवाएं शुरू की। फिर इसके बाद समय निकला 1949 में पीटीआई ने फिर न्यूज सेवा शुरू कर दी। और वर्तमान जो उस समय का निवर्तमान 2010 में न्यूज व्यू इसने सेवाएं शुरू की। तो इसके बाद फिर क्या होता है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई न्यूज एजेंसी आई। यूएनआई क्या है, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की एक प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी है। भारत में तो है ही, इसके साथ ही विश्व के अनेकों देशों में यह प्रमुख न्यूज एजेंसी है, जो है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई। इसकी शुरुआत की बात करें तो डॉक्टर बीसी राय ने 1961 में इस न्यूज एजेंसी को शुरू किया था। वर्तमान में इस एजेंसी के 1000 उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब यूएनआई न्यूज एजेंसी 1000 लोगों को न्यूज देती है, बेचती है। इसके बाद बताते हैं कि जो कर्मचारी है, स्टाफ है, इसमें 325 स्टाफ में पत्रकार हैं, वही 250 जो प्रशिक्षु रिपोर्टर होते हैं वो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसके साथ ही बता दें यह भारत की पहली इंग्लिश न्यूज एजेंसी है, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरे देश के साथ साथ विश्व में अंग्रेजी भाषाओं की न्यूज का ये आदान प्रदान भी करती है। 1000 जो उपभोक्ता है इनके, समाचार न्यूज एजेंसियां हैं, उनको ये न्यूज देती है। फिर बात करते हैं यूनिवार्ता। यूनिवार्ता भी एक न्यूज एजेंसी है, यह भारतीय भाषाओं में समाचार उपलब्ध कराने वाली न्यूज एजेंसी है। यह यूएनआई की शाखा है,
जो भी आप पढ़ रहे थे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसी की शाखा है यूनिवार्ता। यह भारतीय भाषा में समाचार उपलब्ध कराने वाली न्यूज एजेंसी है, यूएनआई की ही शाखा है। शुरुआत इसकी जो बताएं 1 मई 1982 को इसकी शुरुआत की गई थी। यह भारत के हर जिले में अपने चीफ ब्यूरो, जिला ब्यूरो लगे हुए हैं और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका मुख्य काम इस न्यूज एजेंसी का जो है कि सभी प्रकार के घटनाक्रमों को अनेकों विभिन्न भाषाओं में यह जो चैनल है, संस्थान है, उनको आदान प्रदान करती है। फिर इसके बाद आई हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार की जो एजेंसी है, यह समाचार एजेंसी का एक बहुभाषी समाचार एजेंसी है। इसकी शुरुआत 1948 में दादा साहेब आपके द्वारा की गई थी। भारत की सभी भाषाओं में यह समाचार का आदान प्रदान करती है। इसके साथ ही यह नागरिक टेली प्रिंटरों का प्रयोग करने वाली देश की पहली समाचार एजेंसी है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो कार्यालय है यह देश के सभी राज्यों की राजधानियों सहित देश के प्रमुख शहरों में भी आपको हिंदुस्तान समाचार के कार्यालय देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम समाचार भारती। तो समाचार भारती जो है, समाचार भारती की शुरुआत 1 जनवरी 1967 को हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण थे। यह एक सरकारी गैर लाभ न्यूज एजेंसी है। इसमें भी करीब 500 से अधिक समाचार पत्र जो है उनको यह न्यूज देती है। मतलब जो 500 से अधिक समाचार पत्र इस समाचार भारती न्यूज एजेंसी से समाचारों को प्राप्त करते हैं। भारत की प्रमुख भाषाओं में यह समाचारों का आदान प्रदान करती है। इसका भी मुख्यालय की बात करें तो यह देश के किसी प्रमुख जगह नहीं, केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका जो है समाचार भारती का मुख्यालय है। और जो इसके छोटे छोटे ऑफिस है, कार्यालय है, देश के प्रमुख शहरों में फैले हुए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इंडियन न्यूज एजेंसी। इसके बाद आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।